दोस्तों बात करने वाले जेपी पावर स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, जेपी पावर स्टॉक के अगेन यहाँ पे 3% का रिवर्सल आज देखने को मिला है। 3% का रिवर्सल दोस्तों ऐसे नहीं आया है, ये तेजी जो अभी के टाइम आई है दोस्तों मार्केट की वजह से देखने को मिली है। खासकर देखा जाए भाई, जो मिड कैप सबसे ज्यादा गिरा था, मिड कैप अभी के टाइम धीरे धीरे उठ रहा है। देखो दोस्तों, आज मार्केट में तेजी क्यों आई, पहले इस चीज को आप समझो। मार्केट का बहुत बड़ा खतरा यहाँ पे टल चुका है, जो यहाँ पे एक बड़ा ट्रिगर था वो यहाँ पे टल चुका है। तो इसके पीछे वजह है दोस्तों ये है कि फिड की मीटिंग थी, फिड ने दोस्तों ब्याज दरें इंक्रीज नहीं करी। और वो देखा जाए तो करंटली जो ब्याज दरें थी वही ब्याज दरें बरकरार रखी है। मतलब आगे बताया कि आने वाले टाइम में भी यहाँ पे ब्याज मतलब कटौती की जा सकती है। तो ऐसे अपडेट यहाँ पे देखने को मिले। इसके बाद अगर आप देखोगे तो भाई, देखो एक बार ग्लोबल महंगाई पे नजर डालो दोस्तों। ग्लोबल महंगाई किस कदर चल रही है अभी के टाइम। जापान भाई जो है 17 साल के अंदर पहली बार जो ब्याज दरें उनको नेगेटिव से पॉजिटिव किया है। दूसरी मेन चीज की जो अभी के टाइम यूएस की ब्याज दरें चल रही है ना भाई, वो 23 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर चल रही है। एंड ये चीज आप समझो भाई, ग्लोबली महंगाई किस कदर यहाँ पे बढ़ चुकी है। खासकर कोरोना के बाद अगर आप देखेंगे ना, तो सभी देशों की अर्थव्यवस्था का पता ही नहीं है भाई कैसे क्या चल रहा है यहाँ पे। जो यहाँ पे अदर देश है भाई, चलो इंडिया में तो चीजें सही चल रही है, यहाँ पे ज्यादा लग नहीं रहा कि चीजें बढ़ी है। बट अगर देखा जाए दोस्तों मार्केट का, तो मार्केट अपना जो है पिछले 1 साल में कम से कम भाई 28% गेन किया है। तो आप सोच लो कितनी तीव्र गति से अपनी अर्थव्यवस्था यहाँ पे बढ़ी है कोरोना के बाद। मैं तो टोटली मार्केट की बात कर रहा हूँ, मार्केट को देख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। मार्केट को आप देखो बस, ठीक है, क्योंकि मार्केट में अपना पैसा मार्केट में ही छिपा हुआ, मार्केट से मतलब अपने को। अभी के टाइम जेपी पावर को अगर आप देखोगे दोस्तों, टोटली बर्बाद कर रहा है इन्वेस्टर्स को, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, लगातार गिर रहा है। बट अगर पिछले 2 दिन से देखोगे तो एक अच्छा बाउंस देखने को मिल रहा है। जो स्टॉक होल्ड डाउन 15 का लेवल तोड़ चुका था, अगेन 15 रुपए के ऊपर आ चुका है। देखो भाई, बोल रहे थे कल यहाँ पे कि भाई आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आप क्या बता रहे हो। देखो भाई, मैं एक ही चीज बताता हूँ कि अगर आप शॉर्ट टर्म में हो तो आप जैसा देख रहे हो वैसा ही आपको मिलेगा, मतलब वोलेटिलिटी जारी रहने वाली है, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर हो तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। टोटली फाइनेंस अलग है, शॉर्ट टर्म के व्यू के हिसाब से जो टेक्निकली डाटा है वो अलग है। तो टेक्निकली डाटा यही कह रहा है अभी के टाइम की वोलेटिलिटी रहेगी, 17 जाएगा, 15 आएगा, 17 जाएगा, 18 जाएगा, 15 जाएगा। तो इसे व्यू अभी के टाइम नजर आ रहे हैं। बट इसके बीच अगर क्वार्टर फोर की आंकड़े अच्छे दिख जाते हैं एंड उसी के आसपास दोस्तों ये एएसएम से भी बार होगा, तो उसके बाद कुछ आप सोच सकते हैं कि उसके बाद दोस्तों स्टॉक की सर्किट लिमिट भी बढ़ जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पे एक बढ़िया जो रिवर्सल है वो हमें नजर आ सकता है। और स्टॉक को जाना तो ऊपर ही है भाई, ठीक है ना, जाना तो ऊपर ही। इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ से आइए गिरेगा, देखो गिर नहीं सकता क्योंकि कंपनी का फाइनेंस अच्छे ना आने वाले 1-2 क्वार्टर में। जैसा कि आप देखोगे तो बिजली की डिमांड पीक पे रही है, यहाँ पे जेपी पावर वगैरह जो भी है गवर्नमेंट के भी, जहां तक लगता है भाई अभी तो शुरुआत हुई। आप देखना गवर्नमेंट की तरफ से भी आदेश आएंगे जो बिजली कंपनियों के रिलेटेड, जैसा कि पिछले साल भी दिखे थे कि भाई जो भी जिसकी जितनी क्षमता है उस क्षमता से यहाँ पे बिजली प्रोड्यूस करने की कोशिश करो, क्योंकि बिजली की डिमांड पीक पे है, यहाँ से बिजली कम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखो अब एक बार जो चीजें हैं उनको यहाँ से समझ लो दोस्तों। देखिए आज की वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो 2 करोड़ के आसपास की है, एंड डेली बेसिस 2 करोड़, 2.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ यही वॉल्यूम चल रही है। जब तेजी आती है आपको पता है वॉल्यूम किधर जाती है। कल 1.5 करोड़ की वॉल्यूम थी, आज तेजी आई है तो 2-2.5 करोड़ के आसपास की वॉल्यूम है। करंटली एमओ ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, एमओ नेगेटिव है 1 लाख शेयरों के साथ। मेन चीज पी स्टॉक का, तो पी बिल्कुल दोस्तों सही लेवल पे आ चुका है। पी अगर देखोगे दोस्तों अभी के टाइम हमें देखने को मिल रहा है ऑलराउंड यहाँ पे एडजस्टिंग, जो एडजस्ट पी स्टॉक का दोस्तों वो हमें 18 का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से सही लेवल पे स्टॉक हमें मिल रहा है। अगर हम ज्यादा कलाकारी करते हैं, ज्यादा सोचते हैं तो फिर हम उलझते हैं, ये मार्केट का नियम है भाई। तो ज्यादा यहाँ पे होशियार बनता है वो हमेशा नीचे जाएगा, ठीक है ना। हमें चीजें समझ रहा है अभी के टाइम, आपको लग रहा होगा। देखो आपको जब ये स्टॉक 6 रुपए पे था, आपको नहीं पता था कि ये स्टॉक अराउंड 24 तक के लेवल दिखा देगा। बट अभी के टाइम आप अभी भी आपको वही चीजें लग रही है कि आपको नहीं पता कि स्टॉक अराउंड 40 चला जाएगा। बट भाई रियलिटी ये, अगर देखो फाइनेंस अलग होता है, कंपनी के फाइनेंस को आप समझो। मेन चीज आपको देखो, ऑपरेटर भी ऑपरेट करेगा तो शॉर्ट टर्म के लिए करेगा, गिराएगा तो शॉर्ट टर्म के लिए गिराएगा। बट टाइम यही कि अगर आप टाइम देते हो स्टॉक को, तो थोड़ा भाई यहाँ पे समझो, स्टॉक को जाना ऊपर ही है। फंडामेंटल स्टॉक के स्ट्रॉन्ग है एंड यहाँ पे कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी है, जो कि पहले यहाँ पे लॉस कर रही थी। तो सबसे बड़ा पॉइंट हमारे लिए यही रहा कि कंपनी प्रॉफिटेबल आ चुकी है, आने वाले क्वार्टर में जैसे ही प्रॉफिट करेगी तो ये पी फिर से घटेगा एंड यहाँ से स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी। बुक वैल्यू तो स्टॉक की पहले ही शानदार है, अराउंड 15 की बुक वैल्यू के साथ ही ट्रेड कर रहा है। तो भाई आने वाले टाइम में 1-2 साल में स्टॉक 100-150 के आंकड़े भी दिखा सकता है, ये चीज आप समझो। अभी के टाइम आपको देखो जब गिरता है मार्केट में लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, जब स्टॉक
हरा हरा दिखता है मार्केट में, तो लगता है कि भाई मार्केट जैसी कोई चीज ही नहीं है, सबसे अच्छा लगता है मार्केट। तो ये चीज आप समझो, गिरावट को जो समझ गया, गिरावट का जो फायदा उठाना सीख गया, वो एक बड़ा खिलाड़ी। मतलब देखो टोटली मैं एक ही चीज कहता हूँ, पैसा का मैं प्रॉब्लम नहीं है, बट भाई सोचो बड़े प्लेयर की तरह, बस सोच बड़ी रखो अपनी मार्केट के अंदर, एंड छोटी छोटी चीजों में पैनिक मोमेंटम दिखाया। एंड जेपी पावर देखो बॉटम पे था, एंड जितना ही गिरे बॉटम से तो थोड़ा बहुत स्टॉक उठे गए उठे, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखोगे ना तो एक तरफा करेक्शन हमें नहीं दिखाया, बार बार स्टॉक बीच में उठा है, जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे। तो गिरावट देखो तेजी आई, करेक्शन उठा, फिर तेजी, फिर से उठा, फिर करेक्शन, फिर उठा, फिर करेक्शन, अब यहाँ से फिर उठा है। तो टोटली हम कह सकते हैं कि भाई एक बॉटम बना लिया स्टॉक ने यहाँ पे, ये सबसे बड़ा बॉटम है। और यहाँ पे स्टॉक का जो मेन सपोर्ट था 15 रुपए 20 पैसे का था, जिसको स्टॉक ने बॉटम बना लिया है। तो टोटली मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा बहुत ही कंसोलिडेट कर सकता है, बट रिवर्सल यहाँ से ही दिखेगा। एंड मेन चीज अगर देखोगे तो वॉल्यूम स्टॉक की इस गिरावट में बहुत कम है, जब तेजी थी वॉल्यूम आप देख लो तो अभी के टाइम दोस्तों, आज जैसा कि 2-2.5 करोड़ की वॉल्यूम थी, टोटल 100% की डिलीवरी है, खरीदा जा रहा है माल यहाँ पे, तो थोड़ा समझो। एंड टोटली थोड़ा टाइम दोस्तों को Q1 के आसपास, सॉरी Q4 के रिजल्ट देखो, फिर आगे डिसीजन लेंगे। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पूरा के निर्देश